मजा आ गया कपिल को बहुत मजा आ गया। और नहीं मैं कहता ये तो लाइटें ना भी चलाओ वैसे इतनी रोशनी हो रही है। वाह बहुत स्वागत है चाहत और शेफाली आपका, प्लीज यहाँ पे विराजमान हो जाइए। जोरदार तालियां शेफाली और चाहत के लिए। शेफाली चाहत आप दोनों बड़ी ही खूबसूरत लग रही हैं, लग के रही हैं ही आप। थैंक यू। मैं शेफाली, मुझे याद है मैंने जब शेफाली का पहला वीडियो देखा था उस बात को पता नहीं कितने साल हो गए होंगे, पर मतलब कोई फर्क नहीं लग रहा है। थैंक यू। तब आप बहुत छोटी भी थी। मैं छोटी थी, यस। बिल्कुल। कैसा लग रहा है आपको हमारे शो पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपके शो पे आके, यहाँ पे आपके साथ, मिका के साथ, चाहत के साथ। एनर्जी बहुत अच्छी है शो की। अर्चना जी बहुत अच्छी लग रही हैं आप। इट्स वंडरफुल टू बी हियर। हम लोग एक्चुअली ना ऑडियंस को बड़ा मिस कर रहे थे कि लग रहा था यार थोड़ी एनर्जी कम है, लेकिन आपको देख के जो एनर्जी आई है ना कसम से, आप ये देखो ये लोग दो घंटे से बैठे हुए हैं, इतनी तालियां पहले नहीं आई। इतनी अच्छी अच्छी बातें हुई, अच्छे अच्छे गाने हुए, मौत पड़ गई थी इनको, लेकिन आपको देख के देखो आप। वो देखो जल्दी जल्दी में अपनी कुर्सी पे भी नहीं बैठा था, रास्ते में बैठ गया। आप दोनों को देख के तो नहीं लगता आपका बड़ा है वजन, मतलब कैसे करती हैं आप मेंटेन? जिम विम तो सारे बंद थे जी। मेरे जो हस्बैंड है वो बॉडी बिल्डर हैं, तो हमने खूब एक्सरसाइज किया लॉकडाउन में, और काम क्या था। चाहत आप भी वर्कआउट करती थी घर पे? नहीं, मैं बहुत लेजी हूँ एंड मैं वर्कआउट ज़्यादा नहीं करती हूँ, मतलब जिम्स खुले होते हैं तब भी नहीं करती हूँ। अच्छा। तो मतलब जब लोग हलवाई बने हुए थे अपने अपने घरों में जी। मैं डाइट कर रही थी एंड मैंने सोचा भाई जिम तो बंद है अब कुछ तो करना पड़ेगा, तो मैंने अपना खाना कम कर दिया, तो मैंने वन टाइम मील कर दिया था, तो अच्छा उसकी वजह से आई थिंक आई मेंटेन्ड माय सेल्फ। आप दोनों को देख के लगता ही नहीं हार्ड मास की, ऐसा लगता है भगवान ने मैदे की लड़कियां बनाई। उसके बाद में इसको ना ओवन में गर्म करके बाहर के ये तैयार हैं दोनों। आप जाइए मुंबई जाइए और छा जाइए। वाह बड़ा अच्छा लगता है देख के। और क्या रखा है दुनिया में? आपको पता है हमारी एक बार और भी मुलाकात हुई थी, हम लोग गोवा में मिले थे एक ही शो के लिए हम लोग गए थे। हाँ, खूब बारिश भी पड़ रही थी। बारिश, वो आपको याद है? हाँ, क्योंकि इन्होंने अपनी छतरी शेयर नहीं की मेरे साथ, मतलब मैं खड़ी हूँ वहाँ पे, मैं अपनी छतरी का वेट कर रही हूँ, बग्गी आई, आप अपनी छतरी उठा के अपनी बग्गी में बैठ के निकल गए। तो बदतमीज़ शर्माते बहुत है, अंदर से सब कुछ करते हैं बाहर से कुछ नहीं करते। ये जब छतरी की जरूरत थी ना, ये मन में ही आपको छतरी इन्होंने दे भी दी थी, बग्गी में उठा के ले दी गई। ओह अच्छा, मुझे नहीं याद था कि आपको याद है, मतलब कुछ तो मेरे में इंटरेस्टिंग होगा जो आपको अभी तक याद है। बहुत इंटरेस्टिंग है कपिल। थैंक्स बेब्स। बेब्स चाहत, मैं आपका इंस्टाग्राम अकाउंट झांक रहा था एक दिन, मैंने देखा इनके मिलियन फॉलोअर्स हैं, लेकिन ये किसी को फॉलो नहीं करती। तो आपको दुनिया में कोई पसंद ही नहीं है कि जो पसंद था उसकी शादी हो गई है? नो, एक्चुअली मैं किसी को फॉलो करती हूँ तो न्यूज बनती है, और फिर अनफॉलो करती हूँ तो डबल न्यूज बन जाती है। तो मैंने सोचा स्यापा खत्म ही करो, जीरो फॉलोअर्स। जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनसे तो फोन पे बात हो जाती है, सो आई थॉट यार फालतू में न्यूज बनकर कंट्रोवर्सी में आकर मतलब नहीं है, तो इसके लिए सोशल मीडिया से कितना डरने लगे हैं ना सब लोग। एक्चुअली मैं पहले बहुत डरती थी, फिर मेरे जो बेस्ट फ्रेंड है मिक्का ने, उन्होंने मुझे समझाया बेटा इसको एंजॉय करो। अर्चना, मैंने कहा भी एंजॉय कैसे करूं, कैसी कैसी गालियां पड़ रही हैं मुझे। हाँ। मैंने पूछा कि भाई कैसा लग रहा है, कहती मैं तो परेशान हूं, मैं कहा मेरे को बताओ मैं क्या करूं, मैंने कैसे क्या किया है कि लोग ऐसे मुझे कहते हैं। हाँ, तो मैं कहा जब तू तो इतना अच्छा करती तब भी तो बुरा बोलना है। हाँ। तो ये भूल जाए, संसार में आए हो तो हर आदमी को तुम खुश नहीं कर सकते। अब कट टू दो महीने बाद मैं फिर इसको फोन करा, मैं कह रहा तू इसको ब्लॉक क्यों नहीं कर दी, कहती जब तो मुझे 500 गालियां नहीं पड़ती, मुझे नींद नहीं आती, नींद ही नहीं आती। बस डरना नहीं, जिसको दिल करता है कर लो मुझे फॉलो इंस्टा पे। I'll follow you. जैसे लड़कियों को तीखा पसंद होता है, आपको तीखा पसंद है कि मिका ही पसंद है? गोल गप्पे वगैरह, क्योंकि मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी, आप इनके किचन में पानी पूरी बना रही थी। नहीं नहीं नहीं, मैं इनके किचन में पानी पूरी नहीं बना रही थी, वो तो नहीं ना वीडियो बनाया, ये जो हमारा क्वारंटाइन लव उसका नाम रखा, जो आपका फेवरेट सॉन्ग है, बड़े अच्छे लगते हैं। जैसे ही हमने वीडियो प्लान करा ये लॉकडाउन शुरू हो गया, अब लॉकडाउन में कुछ नहीं मिल रहा, तो मैंने कपिल पाजी को
रिक्वेस्ट करी कि इनके पास एक बहुत टैलेंटेड लड़का है जिसको कभी किसी ने ब्रेक नहीं दिया, इवन इन्होंने ब्रेक नहीं दिया उसको. उसका नाम है मणिकरण, वहां पे बैठा है. ओ मनी. तो मैं कहा भाई आ गया तेरे टाइम, क्योंकि आज कुछ भी नहीं हमारे पास. और जो भी तुम्हें मेकअप आता तुमने खुद करना है. अच्छा. और जो मेरे पास जैसा मेकअप मैं कर लूंगा, तो हमारा गाना ये शूट हो जाएगा. हमने गिन के 3 फोटोग्राफ खींची थी बस, तो हमने एक फोटो डाली लेकिन हमने लिखा क्वारंटीन लव, जो कि हमारे गाने का नाम था. इतनी न्यूज बन गई. अच्छा, ऊपर से मुझे भाभी फोन करें, गिनी भाभी की दस्ते दो की होया. मैं कह सच्ची जी कुछ नहीं होया. सारे कह रहे हैं ब्याह हो गया, ब्याह हो गया. मैं कह यार ब्याह हो गया, मुझे नहीं पता लग रहा मेरा ब्याह हो गया. और ऊपर से इन्होंने गोलगप्पे बनाए अपने घर पे, तो इसने घर मेरे घर पे गोलगप्पे भेजे. मैंने खा के कहा थैंक यू, गोलगप्पे की फोटो डाल दी. लोगों को लगा मेरे घर पे गोलगप्पे बना रही. इनफैक्ट लोगों ने तो ये भी बोल दिया हम लोग साथ में लिव इन रिलेशनशिप रह रहे. आई वाज लाइक ये कब हुआ. Exactly. और मैंने जब वो न्यूज पढ़ी मैं बड़ा हैरान हुआ कि मैंने कहा यार पाजी ने एंगेजमेंट कर ली, बताया नहीं. Oh God. फिर जब दूसरा वीडियो शूट हुआ ना, जब शेफाली आई, मैं कहा अच्छा ये तो क्वारंटीन में काम कर रहे हैं बंदा. अच्छी बात है पाजी, मतलब मौके का आप सही यूटिलाइज करो टाइम का. और बड़े खूबसूरत गाने बनाए दोनों. आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो. हाय हाय. हाय फॉक्स. हाय बेबी. मैं हूँ मिट्टी माउस. मिट्टी माउस. मिट्टी से जुड़ा हूँ इसीलिए मिट्टी माउस. मिट्टी माउस. बैठी बैठी. ओह वाव फ्रूट्स. ओह ये सस्ता वाला है. ओह मेरा स्क्रबर यहाँ कहाँ से आ गया. स्क्रबर. भाई साहब जरा इसको पैक कर देना. मेकअप आजी. जी. मेकअप आजी. नहीं 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 चीज 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 है नीचे. आपको क्या लगा मैं आपके पैर पड़ रहा हूँ. कभी भी नहीं. मैं चुभा हूँ कृष्णा नहीं जो किसी के भी पैरों में गिर जाऊँ. आटा लगा. काटा लगा आपका था ना. यू नो मेरी बड़ी चाहत थी कि मैं, अरे चाहत चाहत था ना खाया. अभी अभी खा कर आई. अर्चना जी जी आप सोच रही होंगी इतना छोटा सा चूहा यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रहा है. पता है क्यों? क्यों? क्योंकि हर चूहा परमित नहीं होता. इतना अच्छा जोक मारा. स्टैंडिंग ओवेशन देने के लिए सिद्धू जी आएंगे क्या यहाँ पे? अर्चना मैं कब तक बैठ के खाते रहोगे? कभी तो अपने पैरों पे खड़े हो जाती. ओए मिकी माउस. यस टेल मी. तू आया कहाँ से? मैं लॉकडाउन की औलाद हूँ. मतलब लॉकडाउन में सब आदमी लोग बंदे थे. हाँ. हम जानवर लोग खुले थे. हाँ. मेरे माँ बाप थोड़े ज्यादा खुल गए. मैं आ गई. अच्छा वाला ऊपर बैठकर मैं चीज कुतर रहा था. हाँ. इसके इंटरव्यू ने मुझे डिस्टर्ब कर दिया. हाँ. गुस्सा आ रहा है मुझे. चूहे दानी की कसम तेरा सारा ब्लैक मनी कुतर जाऊंगा मैं. और आपका तो एग्रीमेंट कुतरूंगा. अच्छा क्यों? क्योंकि किसी और की कुर्सी कुतर के आप यहाँ पे बैठी हैं. मिट्टी माउस भड़को मत, एकदम मिका जी से मिलो. आओ मिका जी के लिए जोरदार तालियां. थैंक यू. देखो ना अर्चना जी मिका जी यहाँ पे आए हैं. मौसम कितना चुहाना हो गया है. चुहाना नहीं सुहाना होता है. हमारे इधर चुहाना ही होता है. मिका जी, जी मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ. ऐसा बोल के इन्होंने आपको यहाँ बुलाया है ना. चलो कोई बात नहीं, आप तो फिर भी सेलिब्रिटी हो. पिछले हफ्ते इसने कश्मीरा शाह को यहाँ बिठा दिया था. और ऊपर से कश्मीरा को क्या बोलता है कि मैं तेरा बहुत बड़ा फैन हूँ. 14 साल से मैं उसके घर में रह रहा हूँ. मैंने आज तक उसकी एक भी फिल्म नहीं देखी. ये कहाँ से उसका फैन हो गया.
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.